हेलो गाइस, मैं वृद्धि जी मंडी नहीं। तो गाइस आज हम बात करेंगे कुछ रूमर्स के बिहाइंड द सीन के बारे में और बात करेंगे नेटफ्लिक्स के एक अपडेट के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफी ज्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गीमा चेन का एक नया लुक जो कि हवा में किसी को देख रही है। तो इंटरनल की साइड इमेजेस में देख रहे हैं अकीरा को उड़ते हुए। और एक आपके लिए गुड न्यूज है, डिज्नी प्लस ने कंफर्म कर दिया है कि वो सीक्रेट इन्वेंशन को भी इंक्लूडिंग करेंगे टीवी सीरीज में, यानी कि हमें हर एक टीवी सीरीज में स्कल्स देखने को मिलेंगे जो कि एक सीक्रेट इन्वेंशन का बहुत बड़ा पार्ट है। और एक और आपके लिए खुशखबरी है कि एनाकोंडा का पार्ट रिबूट हो रहा है जिसमें कि जेनिफर लोपेज को कास्ट करा गया है दोबारा से, तो यानी कि हमें एक और दमदार और खतरनाक मूवी देखने को मिलेगी। ऑल्टरनेट डिजाइन देखने को मिला है कैप्टन मार्वल का, जिसमें कि पहला वाला आर्ट कन्फर्म हुआ था जो कि हमें मूवी में देखने को मिला, काफी ज्यादा जबरदस्त लग रहा है। वांडा विजन की सेट इमेज सामने देखने को मिली है जो कि अटलांटा में शूटिंग चल रही है। और अपडेट ये है कि ये सीरीज 2020 को रिलीज होगी, कुछ अभी हाल ही में अपडेट से पता चला है। देन उसके साथ कैरनी का एक नया लुक आया जिसमें कि हमें पता चलता है कि वो ये कॉस्ट्यूम पहनकर एक डांस वाले सीन में परफॉर्म करेंगी जो कि ब्लैक मास्क सामने बैठा होगा जो कि विलेन है मूवी का। राइटर ने कंफर्म कर दिया कि डेडपूल 3 आर रेटेड होगी। जी हाँ, इसे मार्वल और डिज्नी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि अभी हाल ही में पता चला है, देखते हैं कि क्या होता है इन फ्यूचर। देन ऑल्टरनेट डिजाइन देखने को मिला है रॉकेट रकून का जो कि काफ़ी कमाल का लग रहा है और मुझे ये वाला शूट ज़्यादा अच्छा लग रहा था। देन उसी के साथ एक नई इमेज आई है सामने एक्समैन न्यू म्यूटेंट कास्ट की जो कि थिएटर में स्क्रीनिंग कर रहे हैं मूवी की कि एक्चुअल में मूवी कैसी बनी है। और इनके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आए हैं और बाकी तो क्रिटिक्स की रिपोर्ट के देख बाद पता चलेगा। उसी के साथ एक बिहाइंड द सीन इमेज आई है जोकर की जो कि काफ़ी कमाल की लग रही है। और देन वो लग रहा है कि उन्होंने कितनी मेहनत करी क्योंकि हर एक स्क्रिप्ट को वो ध्यान से पढ़ रहे हैं। उसी के साथ आपके लिए गुड न्यूज़ है काफ़ी कमाल की कि अगस्त में लॉन्च होगी फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर टीवी सीरीज डिज्नी प्लस पर, और उसी के बाद हॉटस्टार पर भी हिंदी में आ जाएगी डबिंग। मिस अमेरिका कन्फर्म हो चुकी है, वो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में आएंगी। जी हाँ, एक ये ब्रांड न्यू कैरेक्टर है जो कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में देखने को मिलेगा जिसका नाम है मिस अमेरिका। देन उसी के साथ एक ऑल्टरनेट पोस्टर देखने को मिला है ब्लैक विडो का जो कि न्यू ईयर पोस्टर है, और एक मिला है दी इंटरनल्स का, तो काफ़ी कमाल का लग रहा है। और देन डिजाइनिंग कह सकते हो कितनी कमाल की करी है इन पोस्टरों में, और कैरेक्टरों के कॉस्ट्यूम भी इसमें हल्के हल्के रिबिल्ड कर दी गई है, पर ऑफिशियली फर्स्ट लुक में आपको आगे बताऊंगा। देन उसी के साथ एक्समैन द न्यू म्यूटेंट्स का एक नया पोस्टर लॉन्च हुआ है काफ़ी कमाल का, जिसमें कि हॉरर टाइप का हमें सीन दिखाया गया है, तो आप देख सकते हो खुद ही। और ये फुल एचडी में आपको मेरे ट्विटर अकाउंट से मिल जाएगा। फंकू लॉन्च कर दिखाएंगे ऑफिशियली ब्लैक विडो के, जिसमें कि हमें रेड गार्डियन का मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, हो सके तो मैं ऑफिशियली इसे खरीदूंगा भी, और अगर आपको खरीदना है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और उसी के साथ अकीरा का एक नया लीक आर्ट देखने को मिला जो कि काफ़ी कमाल का लग रहा है, और अभी मैं इसे टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। मेगा मैन पर ऑफिशियली मूवी बन रही है लाइव एक्शन, अगर आपको उसके फुल अपडेट जानने हैं तो उसका भी लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। देन उसी के साथ हावर्ड द डक हुलू स्ट्रीमिंग सर्विस पे जो टीवी सीरीज बन रही थी वो अब कैंसिल हो चुकी है, मोडोक की भी कैंसिल हो चुकी है, और फ्यूचर में देखते हैं कि मार्वल क्या करता है इन टीवी सीरीज के साथ। एंड द लास्ट थिंग, काफ़ी कमाल की मूवी है, नेटफ्लिक्स पे 21 फरवरी को हिंदी में रिलीज होगी, कन्फर्म हो चुकी है, देखिएगा ना भूलिएगा, 100% मतलब देखिएगा, 21 फरवरी को लॉन्च हो जाएगी। देन उसी के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज का जो भाई था वुडू वो कन्फर्म हो चुका है कि वो हमें सेकंड पार्ट में भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, यानी कि एक नया कैरेक्टर जो कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में देखने को मिलेगा। मून नाइट से रिलेटेड एक अपडेट है कि इसकी शूटिंग जुलाई के महीने से स्टार्ट हो जाएगी, और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कौन कास्ट होगा और इसकी सेट इमेजेस में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे पेज को लाइक करें, रियली आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमें शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पर जो करके हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।